तो नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि पूरे साल के जो भी यूनिट्स हैं उनको आप क्यू पे डिवाइड कर दें, सो दैट इज इक्वल टू 12। अब इस पूरे फार्मूले को एक और तरीके से भी हम गौर से देखें तो यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो इसका मतलब है कि सारे का सारा फार्मूला एक्चुअली जो बेस कर रहा है वो तो क्यू के ऊपर कर रहा है। क्यू एक ऐसा ऑप्टिमल होना चाहिए कि अगर वो हम इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारी जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है वो सबसे मिनिमम होगी। सो दैट मींस कि हमारा जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम इस क्यू को फाइंड आउट करें। क्यू को फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, ऑप्टिमल क्यू, ये देखें इसकी डेरिवेशन, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लें तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है बट सिर्फ ये याद करने की ज़रूरत है। इस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, इसके अंदर से हमने क्यू अलहदा कर लिया। क्यू के ऊपर क्योंकि अबव फार्मूला डिपेंडेंट है तो ये क्या बना हमारे पास कि अगर आपने क्यू फाइंड आउट करना है सो क्यू कैसे फाइंड आउट होगा, टू मल्टीप्लाई बाय ओ, ओ इज ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट, एस एस मीन्स टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो हमने पूरे साल में इस्तेमाल करना है, डिवाइडेड बाय सी, सी इज कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल स्क्वायर रूट विल बी क्यू। ये वो क्यू होगा जहाँ आपकी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट सबसे कम होगी। वैसे आप कोई भी क्यू इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी आपको बताया जाए, आप 1,000 का क्यू इस्तेमाल करें, 2 का 3 का, दैट इज सेपरेट। लेकिन अगर हमने ऑप्टिमल क्यू निकालना है तो ऑप्टिमल क्यू निकालने का तरीका कार ये है, ये क्यू निकालने के बाद अगर आप इसमें पुट अप करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपका की जो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री होगी वो सबसे कम होगी। कैसे कम होगी, अगर हम इस पोर्शन को उठाएं इस पोर्शन को हम कहते हैं टोटल कैरिंग कॉस्ट, यानी इन्वेंट्री को अपने पास होल्ड करने को कहेंगे टोटल कैरिंग कॉस्ट। अगर हम इस पोर्शन को उठाते हैं तो इस पोर्शन को हम कहते हैं टोटल ऑर्डर कॉस्ट, दोनों को जब आप सम करेंगे तो दैट वुड बी कॉल्ड योर टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। सो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी जहां भी मिनिमम होगी वो आपके लिए एक्सेप्टेबल प्लेस है, वो एक्सेप्टेबल प्लेस आपकी डिपेंडेंट है क्यू के ऊपर। और क्यू हम कैसे निकाल सकते हैं ऑप्टिमल, दैट इज इक्वल टू 2 × ऑर्डर पर ऑर्डर कॉस्ट ओ मल्टीप्लाई बाय एस टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर एन अकाउंटिंग साइकिल दैट यू मे यूज, डिवाइडेड बाय सी, सी इज योर कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास क्यू निकल आएगा। आंसर वुड बी प्लस माइनस बिकॉज देर इज स्क्वायर रूट, लेकिन हम सिर्फ हमेशा प्लस क्वांटिटी यूज करते हैं बिकॉज देर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ माइनस क्वांटिटी। सो ऑप्टिमल क्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास कॉस्ट निकल आएगी। ये ग्राफ देखें, देखें सबसे पहले हम अगर समझते हैं इसको टोटल कैरिंग कॉस्ट अपवर्ड स्लोपिंग है और बड़ा स्टीप अपवर्ड स्लोपिंग है। कैसे समझें आप इसको, इसको समझने का तरीका कार क्या है, टोटल कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय क्यू डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला है। अच्छा जी, लेट्स सपोज कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू डू, और मेरे पास इस वक्त जो एवरेज यूनिट पड़े हैं वो फॉर एग्जांपल 1,000 पड़े हैं, तो कॉस्ट क्या बनी 2,000। फॉर एग्जांपल ये कैरिंग कॉस्ट है 2 रुपये, मेरे पास इस वक्त पड़े हैं 10,000 यूनिट, मेरी कॉस्ट कितनी हुई 20,000। लेट्स सपोज 2 ही कैरिंग कॉस्ट है, मेरे पास इसमें 50,000 यूनिट पड़े हैं, कॉस्ट कितनी हुई 1,00,000। तो इसका मतलब है इनको मुझे कैरी करने की कॉस्ट बढ़ रही है, और अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो ये बड़ी स्पीड से जंप मार रही है, सो देयरफॉर कैरिंग कॉस्ट बड़ी स्टीप अपवर्ड है। अच्छा, उसके बाद बॉटम पे हमारे पास ऑर्डर कॉस्ट, ये ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट कम होती जाएगी जब आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होंगे। ये कैसे होगा, टोटल ऑर्डर कॉस्ट इज इक्वल टू O मल्टीप्लाई बाय S डिवाइडेड बाय Q। हमने कहा कि ये जो S डिवाइडेड बाय Q वाला पोर्शन है ये हमारा कहलाता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स। लेट्स सपोज मेरे एक ऑर्डर को करने के 100 रुपये है, जस्ट फॉर सेक मैं साल में 10 ऑर्डर करता हूँ, तो आंसर क्या आया 1,000, यानी टोटल ऑर्डर कॉस्ट बनी 1,000। लेट्स सपोज 100 रुपये ही ऑर्डर की कॉस्ट है, मैं 5 ऑर्डर करता हूँ, क्या हो गया 500। लेट्स सपोज मैं अगर सिर्फ साल में एक ही ऑर्डर करता हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी हुई 100। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके डिक्रीज होते आएंगे
जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्डर्स आपके डिक्रीज होते आएंगे, आपकी टोटल ऑर्डर कॉस्ट डिक्रीज होती जाएगी। इन दोनों कॉस्ट को, क्योंकि इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को ऐड करें, तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट बनती है। सो दैट मीन्स कि टोटल कॉस्ट शुरू में नीचे आएगी, ये डिप आएगा, और ये डिप किसकी वजह से आएगा? ड्यू टू टोटल डिक्रीज इन टोटल ऑर्डर कॉस्ट। लेकिन क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद कैरिंग कॉस्ट बड़ी स्पीड से अपवर्ड जाती है, तो ये एक दफा डिप आएगा, और डिप आने के बाद टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट अपवर्ड जाएगी। अपवर्ड क्यों जाएगी? क्योंकि इसके बाद कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जितनी इन्वेंट्री आप अपने पास होल्ड करेंगे, उतनी उसकी कैरिंग कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। देयरफॉर ये जो डिप पॉइंट है, ठीक है, ये जो डिप पॉइंट है, ये डिप पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां आपने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, जिसको हमने क्यू स्टार कहा। और क्यू स्टार मीन्स ऑप्टिमल क्वांटिटी। ये वो क्वांटिटी है जिसको हम फाइंड आउट करते हैं यहाँ, 2OS डिवाइडेड बाय C। अगर हम ये फाइंड आउट कर लेते हैं, सो दैट मीन्स कि ये वो जगह होगी जहाँ हमारी जो इन्वेंट्री की कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी, और इससे पहले भी ज़्यादा होगी और इससे बाद में भी ज़्यादा होगी। सो हमारी और टोटल क्वांटिटी और जो प्राइस है इन्वेंट्री की, वो उस वक्त डिक्राइज होगी, डिक्रीज होगी या मिनिमम होगी जब आप ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी के बाद है कि आपने किस वक्त ऑर्डर करना है। ये तो वो नहीं है कि आपको आप ऑर्डर करें और उसी वक्त आपके पास जो है चीजें पहुंच जाएं, ठीक है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें ऑर्डर पॉइंट का होना पता होना ज़रूरी है। ऑर्डर पॉइंट इज इक्वल टू लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डेली यूजेज। लीड टाइम का मतलब है कि लेट्स से आपने कोई ऑर्डर किया और वो 3 दिन बाद डिलीवर होगा, तो दैट मीन्स कि लीड टाइम 5 डेज होगा। सो लीड टाइम को अगर हम डिवाइड करें कि जिस वक्त आपने ऑर्डर दिया और उस वक्त से लेकर जब तक आपको डिलीवर होगा, इसमें जितना भी टाइम इन्वॉल्व होगा ये आपका लीड टाइम कहलाएगा। जैसे कि अगर आप कराची से कोई चीज़ मंगवाते हैं और वो 3 दिन में पहुंचती है, तो ऑर्डर करने से लेकर आप तक पहुंचने तक जो 3 दिन होंगे वो लीड टाइम कहलाएगा। डेली यूजेज का मतलब है आप दिन में कितने इस्तेमाल कर लेते हैं। ये डेली यूजेज कैसे फाइंड आउट होगा? दैट इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज जिसमें आउटस्टैंड करती है ये। जैसे मैंने कहा, इसको बल्कि आसान जबान में हम कह सकते हैं कि हमारी क्रेडिट पॉलिसी भी इसको डिफाइन कर रही होती है। लेट्स सपोज मैं 300 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ और मेरी क्रेडिट पॉलिसी है 30 डेज की, तो एक दिन में कितने इस्तेमाल करूँगा? 10। लेट्स सपोज मैं 600 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ और मेरी क्रेडिट पॉलिसी है 60 डेज, तब भी मैं 10 इस्तेमाल करूँगा। लेट्स सपोज मैं 600 यूनिट इस्तेमाल करता हूँ और मेरी क्रेडिट पॉलिसी 90 डेज है, तब क्या होगा? इसका आंसर निकलेगा 20 20 नहीं, ये इसका आंसर 600 डिवाइडेड बाय 96.66, यानी एक दिन में कितने यूनिट इस्तेमाल करूंगा? 6.66। तो डेली यूजेज इज इक्वल टू क्यू, इस Q को हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमने ये Q Q डिवाइडेड बाय क्रेडिट पॉलिसी के कितने दिन इस्तेमाल करना है। तो जितने दिन इस्तेमाल करेंगे वो जितने यूनिट आप डेली इस्तेमाल करेंगे, डेली यूनिट मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। ये डिफाइन क्या करता है? डिफाइन ये करता है जब आपके पास इतने यूनिट्स बच जाएं, जब ऑर्डर जितने यूनिट्स बच जाएं, तो आपने फौरन री ऑर्डर कर देना है। तो दैट वुड बी योर री ऑर्डर पॉइंट। री ऑर्डर पॉइंट का क्या मतलब है कि जब आपके पास डेली यूजेज लेट्स से 10 यूज करते हैं, 5 दिन लगते हैं उनको पहुंचने में, तो जैसे ही आपके पास इन्वेंट्री पहुंचे 50 के ऊपर, तो आपने उसको री ऑर्डर कर देना है। जैसे इस ग्राफ से समझ आ रहा है, देखें 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है, लीड टाइम है 5 डेज का, तो जैसे ही ये यूनिट इस्तेमाल होते होते डिक्रीज होते होते 100 पे पहुंचेंगे, ये री ऑर्डर कर देगा। री ऑर्डर करेगा और जैसे इसकी इन्वेंट्री फिनिश होगी, इसका ऑर्डर आ चुका होगा और ये दोबारा रिफिल हो जाएगा। सिमिलर ये दोबारा से डिक्लाइन होगा, यूज करता रहेगा इन्वेंट्री, जब 100 पे पहुंचेगा इसका बैलेंस, ये रीऑर्डर करेगा और ये डिक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज द वे जहां आप इसको रीऑर्डर करते हैं। लेकिन रीऑर्डर के साथ एक और चीज भी इन्वॉल्व है कि जरूरी नहीं है कि आप जब भी रीऑर्डर करें आपको टाइमली मिल जाए। तो उसका फार्मूला क्या है कि लीड टाइम एवरेज
मल्टीप्लाई बाय एवरेज डेली यूजेज प्लस सेफ्टी स्टॉक, आप बैक एंड पे कितने यूनिट रखते हैं। तो सेफ्टी स्टॉक बेसिकली परसेप्शन है, जैसे हम कहते हैं कि हमेशा 5 दिन में ऑर्डर आ जाता है, लेकिन एक दो दफा साल में ऐसा हुआ कि 7 दिन में ऑर्डर रिसीव हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि आपको इजाफी 2 दिन की इन्वेंट्री आपके पास मौजूद होनी चाहिए कि किसी भी टाइम ये 5 से 7 दिन हो सकते हैं। तो देयरफॉर आप उसकी सेफ्टी स्टॉक उसमें ऐड कर देंगे। लीड टाइम वही है और एवरेज डेली यूजेज भी वही है। ठीक है, एवरेज डेली यूजेज इसलिए कहा क्योंकि अगर आपकी डेली यूजेज प्लस माइनस यानी किसी दिन ज़्यादा किसी दिन कम है तो आप एवरेज निकालेंगे, और लीड टाइम अगर आपका कांस्टेंट नहीं है, कभी 5 दिन लगते हैं, कभी 7 दिन, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, तो आप एवरेज लीड टाइम निकालेंगे प्लस करेंगे सेफ्टी स्टॉक। सेफ्टी स्टॉक मीन्स आपने 5 दिन का रखना है, इजाफी स्टॉक 7 दिन का, तो इन दैट केस आप वो सेफ्टी स्टॉक ऐड करेंगे और उसके बाद आपका रीऑर्डर पॉइंट निकल आएगा। इस सूरत हाल में जो आपका ग्राफ होगा वो चेंज हो जाएगा। जी आपने ऑर्डर किया, जब आपके पास रह गए थे कुछ यूनिट, वो पहले आ गया, जब पहले आएगा तो इन्वेंट्री जल्दी रिफिल हो जाएगी खत्म होने से पहले। अगली दफा आपने ऑर्डर किया, ये लेट हो गया, तो सेफ्टी स्टॉक में से कुछ इस्तेमाल हुआ और उसके बाद आप दोबारा से रिफिल हो गए। आपने उसके बाद फिर इन्वेंट्री यूज़ की और इन्वेंट्री यूज़ करना रीऑर्डर किया, ये जल्दी आ गया और रिफिल हो गया। उसके बाद फिर आपने यूज़ किया, उसके बाद ये देर से आया, तो इसका मतलब है ये देर से रिफिल हुआ। ये 4 दिन में ऑर्डर आया, ये 6 दिन में ऑर्डर आया, ये 5 दिन में, तो आपकी इन्वेंट्री फिर इस तरीके से कॉन्स्टेंट नहीं रहती कि जब भी आप ऑर्डर करेंगे वो हमेशा 5 दिन में मौसूल। सो इन दैट केस आपकी इन्वेंट्री डिस्टर्ब रहती है, तो डिस्टर्ब रहने के लिए आपको उसके अंदर सेफ्टी स्टॉक एडअप करना पड़ता है।